لأجلك يا ربي نسعى. आ जाए आ जाए, अंदर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम अफान भाई, क्या हो गया? इधर का रुख कैसे मोड़ लिया भाई? रास्ता वास्ता तो नहीं भूल गए? अरे नहीं नहीं, रास्ता भूलने की क्या बात है, आपसे तो हमारा पुराना याराना है। बस असल में आज जुमेरात है, तो मैं शब जुम्मा पे जा रहा था मदनी मस्जिद, तो वहाँ पे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन आए हुए थे बयान करने के लिए, तो सोचा हर दफ़ा तो मैं अकेले जाता हूँ, अब की बार क्यों ना आपके साथ चले। अरे सूफी भाई, ये तबलीग फारिग लोगों का काम है यार, असल काम तो नमाज है, वो तो मैं पढ़ता ही हूँ, और क्या चाहिए आपको? फजूल मेरा वक्त बर्बाद करने आ गए। अरे नाराज़ होने की क्या बात है, इसमें बात को समझने की कोशिश कीजिए, नाराज़ मत होइए। अरे ये कोई फारिग लोगों का काम थोड़ी है, ये तो हमारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग पूरे 23 साल मुसलसल अपनी ज़िंदगी में की थी। 23 साल मुसलसल? जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 23 साल मुसलसल अपनी ज़िंदगी में तबलीग की, ताकि लोग शैतान से दोस्ती तोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दोस्ती लगा लें। तो आप ख़ुद बताइए, जो काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने अरसे किया, क्या ये काम फारिग लोगों का हो सकता है? अफ़ान भाई, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में जितने भी लोग देखे हैं ना, सब अपनी अना के बारे में बात करते हैं। ये तो आप जैसे तबलीग वाले लोग हैं जो लोगों को जन्नत में ले जाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। सच में यार, मैं अपने किए हुए बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे शर्मिंदा होने की क्या बात है, क्यों ना आज आप भी हमारे साथ शब जुम्मा पे चलें? जी ज़रूर, कब चलना है? अरे नेक काम है, देर कैसी, आइए अभी चलते हैं। चल 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 चल, दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के रास्ते में निकलने का मजा देख। चल दीन की तबलीग में चलने का मजा देख, अल्लाह के